गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभु सेफ स्पेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय गर्मियों का सीज़न चल रहा है और काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही है। आपने काफ़ी तरह की शिकंजी पी होगी, लेकिन आज मैं आपको जो शिकंजी बनाना सिखाऊंगा, काफ़ी यूनिक टाइप की शिकंजी है। तो चलिए दोस्तों, शिकंजी बनाना हम सीखते हैं। जितने भी लोगों की शिकंजी बनानी हो, आप उतने नींबू ले लीजिए और उसको दो भागों में आप काट लीजिए। नींबू को दो भागों में काटने के बाद आप हर एक नींबू को अपने अपने गिलास में गाड़ लें और काफ़ी यूनिक टाइप की टेस्ट है दोस्तों इसमें। आप ज़रूर इसे अपने घर में ट्राई करें। ये गर्मियों के सीज़न में आपको तरोताज़ा भी रखेगा और डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा। नींबू का रस गाड़ने के बाद सब में आप चीनी डाल लें। मैंने एक बड़ा चम्मच चीनी डाला है, आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने ये पुदीना पहले से पानी में डाल रखा था ताकि इसके पत्ते फूल सके अच्छे से और हरे भरे रहें। और इसे आप कूट लीजिए हल्का सा, और उसका कूटने के बाद आप एक एक चम्मच हर गिलास में डाल लीजिए। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों और अच्छा भी लगता है। शिकंजी पीने का जो मज़ा है दोस्तों, वो बिना बर्फ़ के नहीं आता है, इसलिए मैंने एक रुमाल की मदद से मैंने बर्फ़ को कूट लिया है। आप चाहे तो ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, और काफ़ी बारीक पीसेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप इसे पीस के ग्लास में डाल लीजिए। चलिए दोस्तों, मसालों को डाल लिया जाए। मैंने आधा चम्मच काला नमक डाला है। अगर आपके पास काला नमक ना हो तो आप दूसरे नमक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा बढ़िया स्वाद नहीं आता है। मैंने 1/4 चम्मच से हल्का सा ज़्यादा मैंने भुना हुआ जीरा डाला है। आप कोशिश कीजिए कि आप घर में ही भून के इसे डालें। और उसके बाद मैंने 1 पिंच, मतलब कि 1/4 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। चलिए दोस्तों, अब इसमें हम पानी डाल लेते हैं। मैं ठंडा पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और दोस्तों, इसमें आप हो सके तो एक बार ज़रूर सोडा के साथ, स्प्राइट और ड्यू के साथ ज़रूर इसे रेसिपी को ट्राई करें, काफ़ी बेहतरीन लगेगा दोस्तों। और चलिए दोस्तों, इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं ताकि इसमें जितने भी मसाले हैं, चीनी है, नमक है और बाकी मसाले अच्छे से मिल जाएं एक दूसरे से। देखिए दोस्तों, हमारी शिकंजी बनके तैयार हो चुकी है। इस गर्मी में आप इस शिकंजी का भरपूर मज़ा लें और अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।